अभी एक वीडियो आया है जिसमें एक मौलाना ने रोहित सरदाना के खिलाफ फतवा जारी किया है कि जो भी उनका सर कलम करके लाएगा उनको 1 करोड़ रुपए का इनाम दिया जाएगा। ये किस तरह की व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि अगर एक मौलाना खुलेआम भारतीय कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, एक सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार का सर कलम करने की धमकी दे रहा है, ये भारत का कानून है? ये कोई इस्लामिक शरिया कानून है? मैं भारत देश के युवाओं को, समस्त जागरूक नागरिकों को, अधिवक्ता समाज को एक अनुरोध करता हूं कि वो रोहित सरदाना के समर्थन में आए और इस तरह के मौलानाओं की धमकियों का जबरदस्त जवाब दें, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो या जमीन के माध्यम से हो या अपने कलम के माध्यम से हो। ये ऐसी इस तरह की किसी भी धमकियों का जवाब दिया जाना चाहिए ताकि इस तरीके की जो ये तालिबानी शक्तियां हैं ये सर न उठा सकें।